बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ दोस्तों, आप देख रहे हैं MSF TV और मैं हूं आपका खादिम, आपका मेज़बान मोहम्मद साजिद फरीद। दोस्तों, चंद रोज़ पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी, एक वीडियो अपलोड की थी इसी चैनल पर, जिसका मौजू था कोई भी चीज़ ख़रीदने का टेक्निकल तरीका। वो पार्ट वन था, उसमें 3 पॉइंट जो हैं टोटल, इसके हवाले से 6 पॉइंट मैंने नोट किए थे और ये मेरा ज़ाती तजर्बा है। और उस पहली वीडियो में मैंने 3 पॉइंट जो है आपके साथ शेयर किए थे, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वो ज़रूर एक बार विज़िट कीजिएगा। और ये उस मौजू का जो है नेक्स्ट पार्ट है, इसमें जो लास्ट 3 पॉइंट थे कोई भी चीज़ ख़रीदने का टेक्निकल तरीका, इस हवाले से इस वीडियो में जो लास्ट 3 पॉइंट है वो आपके साथ शेयर किए जाएंगे, तो हम उम्मीद करते हैं आपको ये भी फ़ायदा देंगे। अज़ीज़ दोस्तों, चौथे नंबर पे जो पॉइंट है, क्योंकि 3 पहले बयान हो चुके हैं, टोटल 6 हैं, लिहाजा आज 4, 5 और 6 ये 3 पॉइंट बयान किए जाएंगे। आज के हवाले से जो पहला पॉइंट है वो ये है कि आप अगर कोई चीज़ ख़रीदना चाहते हैं तो आप कभी भी उस चीज़ को, अपनी पसंदीदा चीज़ को, अपनी कीमती चीज़ को कभी भी लोकल मार्केट से मत ख़रीदिएगा। ये एक टेक्निकल तरीका है। उसकी वजह यह है क्योंकि जो लोकल मार्केट होती है वहाँ के जो मकामी लोग होते हैं वहाँ पर नहीं जाते, लिहाजा जब वहाँ पर लोगों की आमद और रफ्त नहीं होती, दुकानदार भी यही समझते हैं कि यार यहाँ के लोग जो मकामी हैं वो इस जगह से वाकिफ़ हैं, इस हालात, इस मार्केट के हालात से वाकिफ़ हैं, इसलिए वो वहाँ से धोखे से बचने के लिए वहाँ पर नहीं जाते, कोई अपनी शॉपिंग वगैरह नहीं ख़रीदते। लिहाजा वो ये समझेंगे और वो अपने लिए इस बात को गनीमत जानेंगे कि एक नया बंदा अगर इस मार्केट में आया है, लिहाजा वो या तो मुसाफिर हो सकता है या फिर यहाँ का नहीं है, कोई और ही वजह हो सकती है इसलिए इस मार्केट में आया, क्योंकि अगर ये मकामी होता तो इस मार्केट में ना आता, क्योंकि वो लोग जानते हैं। इसीलिए नंबर 4 ये है कि आप कभी भी अपनी पसंदीदा चीज़ को, अपनी कीमती चीज़ को किसी लोकल मार्केट से ना ख़रीदिएगा। लोकल मार्केट में ख़रीदने की वजह से हो सकता है आपके साथ धोखा किया जा सके, हो सकता है आपके, आपको धोखा दिया जाए, आपके पैसे ज़ाया हो जाएं, और जो आप चीज़ ख़रीदने गए थे वो आपको ना मिले और आपको फेक चीज़ दे दी जाए। और जी हाँ, नंबर पाँच पे ये है कि आप कभी भी अपनी चीज़ जो आप ख़रीदने गए हैं दुकानदार के कहने पर मत ख़रीदिएगा। क्यों? क्योंकि दुकानदार का काम है ग्राहक को मक्खन लगाना, वो लिहाजा आपको चढ़ा बढ़ा के, वो इतनी उसकी शान तारीफ़ें बयान करके वो आपको चीज़ बेचने की कोशिश करेगा, लिहाजा उसका काम है ये करना, मतलब आपको इत्माद में लेना। लिहाजा आप जब तक ख़ुद मुतमइन ना हो जो आपको चीज़ आप लेने गए थे, जो आप सोच के गए थे, बिल्कुल आप मशवरा करके गए थे, सोच समझ के गए थे, तहकीक करके गए थे, और आप लोकल मार्केट में भी नहीं गए हुए, तो आप दुकानदार के कहने पर कभी भी अपनी चीज़ मत ख़रीदिएगा, क्योंकि वो आपको धोखा भी दे सकता है। उसने तो अपनी चीज़ बेचनी है, उसको जो भी मिले उसको पैसा चाहिए भाई, वो तो बेच देगा अपनी चीज़, वो निकाल देगा। इसीलिए मेरी ये आपको एक, मेरा ये आपको अदना सा मशवरा है और ये मेरी नाकिस राय है, ये जो मेरे अपने तजर्बे में भी शामिल है, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कभी भी अपनी कोई भी चीज़ जो आप ख़रीदने गए हैं जब तक आप मुतमइन ना हो कभी भी दुकानदार के कहने पर अपनी चीज़ मत ख़रीदिएगा। नंबर 6 और नंबर आखिरी और जो लास्ट पे है वो बड़ी अहम और बड़ी इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि आप कभी भी जो चीज़ ख़रीदने गए हैं किसी एक दुकान से, मसलन आप गए, आपको दुकान नज़र आ गई, आपने फॉर एग्ज़ाम्पल एक मोबाइल ख़रीदना है, एक फ़ोन, आप गए, आपको दुकान नज़र आ रही है, आप वहाँ से अपनी चीज़ ख़रीदें और वापस लौट आएँ। हाँ, अगर आपको वो चीज़ मिल रही है, सेम सारी क्वालिटियाँ जो सारे पॉइंट हैं वो इसमें पाए जा रहे हैं, फिर तो ठीक है, आप ले लें। हाँ, अगर आप मुतमइन नहीं हैं तो कभी भी एक दुकान से मत ख़रीदिएगा, और आप एक दो दुकानों का विज़िट कीजिए, आप इधर वाली दुकानें भी विज़िट कर लें, आप इधर वाली दुकानों से भी जो है ना पता कर लें, मतलब आप विज़िट करते जाएं, आपको पहले तो सारी मालूमात होगी ही, क्योंकि आप सारी तहकीक करने के बाद, और 5 जो पहले पॉइंट है अगर वो आप में पाए जा रहे हैं, तो 6ठा जो लास्ट है वो यही है कि आप जो है ना चीज़ अब ख़रीद लेंगे, क्योंकि लास्ट में आपने चीज़ ख़रीदनी है। तो मेरी नाकिस राय ये है कि आप जब अपनी चीज़ ख़रीदने लगे और बिल्कुल ये लास्ट पे और चीज़ आप बस, मतलब शॉपिंग आपकी ख़त्म होने पे है, तो आप एक दो दुकानों का विज़िट कर लें, हो सकता है आपको कहीं से डिस्काउंट मिल जाए, आप एक ही दुकान से ख़रीदेंगे वो आपको जितना कहेगा आप उसको उतने दे देंगे, लिहाजा ये हो सकता है कि और दुकान से आपको सस्ती वो चीज़ मिल जाती। इसलिए मेरी नाकिस राय है कि आप एक दो दुकानों से ज़रूर पता कर लीजिएगा, विज़िट कर लीजिएगा, यहाँ पर चक्कर चुकर लगा लीजिएगा, हो सकता है आपको थोड़ा बहुत बेनिफिट मिल जाए, थोड़ा बहुत आपके साथ डिस्काउंट हो जाए। जी हाँ अज़ीज़ दोस्तों,
ये थी मेरी चंद नाकिस आरा, नाकिस राय, 6 पॉइंट थे जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियोस दोनों जो इसके पार्ट थे 1 और 2, जिसमें पहले 3 बयान किए गए थे पॉइंट और लास्ट में आज की इस वीडियो में भी 3 बयान किए गए, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो मेरे प्यारे भाइयों, आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो और इसका जो दूसरा पार्ट था वो आपको कैसा लगा, आपने देखा या नहीं देखा, क्या आप इसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना चाहेंगे नहीं चाहेंगे, ज़रूर बताइएगा। अपने मेज़बान मोहम्मद साजिद फरीद को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपनी फ़ैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।